साल की सजा कर दीजिएगा, चालक का परिवार बाल बच्चा भीख मांगने लगेगा, चालक को आत्महत्या के सिवा क्या रास्ता रहेगा? तो आप चालक को कुछ दे कर रहे हैं? कोई सरकार हो, आज तक कभी हम लोग को कुछ नहीं मिला। हर चीज़ का हम लोग पैसा देते हैं, रोड टैक्स से लेकर के इंश्योरेंस, फिटनेस, प्रदूषण, लाइसेंस, सब चीज़ का सारा नियम आप लागू कर रहे हैं हम लोगों को, तो चालक को भी तो कुछ दीजिए। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं 24। तो मौजूद हैं टाटा पार्क ऑटो स्टैंड में। आप जानते होंगे पिछले कुछ समय से ऑटो चालकों के साथ किस तरीके की बदसलूकी की जा रही है। बदसलूकी कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे ओवरलोडिंग को लेकर या फिर प्रशासन की एक तानाशाह का शब्द हम इसलिए दे रहे हैं यहाँ पे कि आपको पता होगा कि कुछ कुछ कंप्लेंट्स ऐसे भी आते हैं कि प्रशासन ऑटो में बैठते तो हैं लेकिन बिना पैसा दिए वो निकल लेते हैं। तो हम कुछ ऑटो चालकों से बात करेंगे और ज़्यादातर हम बातें करते हैं और आपको दिखाते हैं कि परेशानियाँ किस हद तक बढ़ी है। तो हम आपसे पहले ये बात करेंगे कि आपको क्या लगता है कि आप ऑटो चलाते हैं, क्या सही से आपकी ज़िंदगी चल रही है? नहीं, इसमें तो बहुत सारा परेशानियाँ है, जिसमें हम यही कहेंगे कि सरकार जो है सारे परेशानियों का जड़ सरकार है। कोई सुविधा नहीं देता है, टैक्स दुनिया भर के लेता है, उसके बाद रोड में चलने पर भी परेशानी होता है। कभी लाइसेंस दिखाइए तो ऑनर बुक मांगेगा, तो ये मांगेगा वो मांगेगा। लाइसेंस दिखाने की जहाँ तक आपने बात की, क्या जो ई रिक्शा चलाते हैं उनसे लाइसेंस मांगा जाता है? क्योंकि सर्वे ये बताता है कहीं ना कहीं 90-92% ई रिक्शा चालकों के पास ना लाइसेंस है ना ही कुछ। नहीं, ई रिक्शा को जो है उसको ज़्यादा चेकिंग नहीं किया जाता है, लेकिन ये गाड़ी जो है ये ज़्यादा टैक्स भी देता है और लाइसेंस भी सबका रहता है। इस सब गाड़ी से जो है ना सरकार को हम लोग बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं, इसका टोकन भी लगता है लेकिन परमिट भी है। लेकिन सरकार जो है इस सब गाड़ी को जो है ना बंद करने के कगार पर है, ना परमिट दे रहा है ना कुछ दे रहा है, और जहाँ तहाँ प्रशासन धांधली भी कर देता है, प्लस बैठ के जाता है तो पैसा नहीं देता है। तो हम लोग कहाँ से करें? इतना गैस महंगा हो गया है, गाड़ी महंगा हो गया है, हम लोग के लिए बहुत परेशानी हो रहा है अभी यहाँ जीने के लिए। इतना ना महंगाई हो गया है ना, सरकार और उस पर जो है तरह तरह के नियम कानून ला रहा है। अब हम लोग सोच रहे हैं कि क्या करें नहीं करें। हम लोग ऑटो चला लिए हैं, दूसरा कोई काम भी नहीं होता है। कहीं ना कहीं जो नया नियम निकला हिट एंड रन वाला, आपको पता होगा अच्छे से, आप ऑटो चालक हैं, आपको क्या लगता है कि ये कहना क्या गलत होगा कि हर हथकंडे अपनाकर पैसे ले रहे थे, अब एक ही बचा तो वो भी कर दिए? हाँ, ये सही बात है। अब ड्राइवर को कह रहा है कि इतना पैसा देना होगा, इतना सजा होगा, तो ड्राइवर जो है वो 5,000-10,000 कमाने के लिए गाड़ी चलाता है, उसके बाद कहिएगा कि 7 लाख रुपया दे दीजिए, 10 साल जेल जाइए, तो वो क्या करेगा आदमी? उसके आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता बचेगा नहीं, क्योंकि जो ड्राइवरी कर लेता है उससे लेबर का भी काम नहीं हो सकता है। तो आप लोगों ने क्या सोचा है कि इसके किस प्रकार से हैंडल करेंगे? क्या धरना देंगे, हड़ताल करेंगे, चक्का जाम करेंगे, आगजनी करेंगे, या फिर शांति, क्या करेंगे आप? नहीं, इसके लिए जो होगा वो सब करेंगे, वो धरना भी देंगे, जाम भी करेंगे, और ज़रूरत पड़ेगा तो आत्मदाह भी करेंगे। आत्मदाह भी कर लेंगे? ज़रूरत पड़ेगा तो वो भी करेंगे, लेकिन इस कानून को जो है आत्मदाह करेंगे तो क्या सरकार को इस बात से फ़र्क पड़ेगा? कोई ज़रूर पड़ेगा, हम अकेला थोड़ी हैं, पूरे भारत करेगा, पूरे भारत जो है इस सरकार के विरोध में है। और ये और लोग हैं आप जो ऑटो चलाते हैं, क्या आपको क्या लगता है जिस तरीके से लगातार पिछले बीते महीनों की बात करें तो पहले ऑटो स्टैंड को लेकर आप पे कार्रवाई की गई थी, फिर से स्टिकर को लेकर कार्रवाई की गई थी जो धूप से बचने के लिए आप लोग लगाते थे गर्मी के मौसम में, फिर ओवरलोडिंग को लेकर कार्रवाई की गई थी, उसके बाद से अगर देखा जाए तो प्रशासन भी बैठती है, पैसे नहीं देते, ये भी एलिगेशन लगे थे, क्या लगता है आपको हिट एंड रन का नया केस? केस तो आ गया सर, कानून आ गया, तो कानून सिर्फ सवारी के लिए है, आम लोगों के लिए, चालक के लिए कोई कानून नहीं है। चालक को अगर सवारी को घटना होती है तो सवारी को 7 लाख रुपया देना है, और चालक मारा जाएगा तो चालक को क्या देगी सरकार? कभी चालक के बारे में तो ये मेट्रो जब बन रहा था तो एक घटना में सुनने को मिली थी कि यह अंधेरा था रात को और ऑटो चालक रॉड एक लग गया, ऊपर गिर गया रॉड सर, उस चालक को कुछ नहीं मिला आज तक, उसका पूरा परिवार बिखर गया, उसके बाल बच्चे भीख मांग रहे हैं। आज चालक 10 साल की सजा कर दीजिएगा, चालक का परिवार बाल बच्चा भीख मांगने लगेगा, चालक को आत्महत्या के सिवा क्या रास्ता रहेगा? तो आप चालक को कुछ दे कर रहे हैं? कोई सरकार हो, आज तक कभी हम लोग को कुछ नहीं मिला। हर चीज़ का हम लोग पैसा देते हैं, रोड टैक्स से लेकर के इंश्योरेंस, फिटनेस, प्रदूषण, लाइसेंस, सब चीज़ का सारा नियम आप लागू कर रहे हैं हम लोगों को, तो चालक को भी तो कुछ दीजिए। आज तक चालक को क्या दिए? ना कोई पेंशन मिलता है, ना हम लोग के पास राशन कार्ड है, ना हम लोग के पास कोई प्रधानमंत्री स्वास्थ्य कार्ड है, बीमा कार्ड है, कुछ नहीं है हम लोग के पास। ऊपर से हम लोग को ये और कह रहे हैं कि 10 साल के सजा और 7 लाख रुपया जुर्माना लेंगे।
तो हम लोग किस परिस्थिति, हम लोग को क्या देंगे सरकार? हम जब जेल चले जाएंगे तो हमारे बाल बच्चा को कौन खिलाएगा? ये 5 लोगों को पीछे भूखे ना मर जाएगा भैया? और 7 लाख रुपया तो घरों बेच देंगे तो 7 लाख तो नहीं आएगा। कह रहे हैं कि आप धक्का लगने पर उठाइए उनको, एक्सीडेंटल को ले जाइए, तो ले जाएंगे ठीक है, उस बीच में हमको पब्लिक मार देगा तो हमारे बाल बच्चा को कौन देगा? ये भी तो प्रश्न सरकार से मेरा है। सरकार तो नियम फरमान जारी कर दिए, तो ड्राइवर के लिए भी तो कुछ सोचिए आप सरकार है। अच्छा, ऑटो चालकों से एक सवाल हम करेंगे कि ई रिक्शा चालकों के लिए कुछ क्यों नहीं नियम निकलते हैं, चाहे लाइसेंस को लेकर हो या फिर अंडर एज के जो बच्चे चलाते हैं 18 साल से कम के, दारू पीकर या कुछ भी करके नशे करके चलाते हैं, हर मामला सामने आता है कि ई रिक्शा मरीन ड्राइव पर पलट गया या फिर छोटे बच्चे चलाते हैं या फिर उसमें किडनैपिंग वगैरह के भी मामले सामने आते हैं, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? ये सब प्रशासन की लापरवाही है, सब आँख मूंदे हुए हैं लोग, सारे परिवहन विभाग करप्ट है, मोटरसाइकिल से पैसेंजर ढो रहा है, प्राइवेट गाड़ी से कॉमर्शियल काम करवा रहे हैं ये बिहार सरकार के पदाधिकारी लोग, सब यहाँ चौपट है। अंधेरी चौप कैसे तो बोला जाता है कि अंधेरी नगरी या चौपट राजा, वही हाल हुआ हुआ है। एक ऐप्स के जरिए आप देखिए मोटरसाइकिल से लेके जा रहा है, कोई उधर लूट ले रहा है, कोई उधर छीन ले रहा है, बदनाम ऑटो वाला हो रहा है। हम लोग को आज 18 साल 20 साल होने जा रहा है सर, हम लोग के पास प्रमाण है उस नशालों का। आज तक हम लोग इज्जत से जीने का कोशिश कर रहे हैं मगर इन लोग के कारण हम लोग को बदनामी हो रहा है, सरकार के पदाधिकारी के कारण हम लोग को परेशानी हो रहा है। रोज नया एक कानून निकाल रहे हैं, बैटरी वाला रिक्शा की नाकामी सरकार की है, आप चेकिंग लगाइए, आप कम उम्र वाले को सीज कीजिए गाड़ी, आप आम चालक को क्यों परेशान कर रहे हैं? यहाँ से गोलम्बर पर गए तुरंत लाइसेंस कागज निकालो, ये करो, अरे तो ये नंबर है तो सब देखो ना यार, सब तो ऑनलाइन है, मेरे पास पॉकेट में कहाँ कुछ है, बात बात में पैसा मांग रहा है, बहुत सी परेशानियां हो रही है। एक और कंप्लेन आपसे आखिरी सवाल लेंगे, आगे आ जाइए, ये होता है कि प्रशासन बैठती है, जहाँ जाना होता है वहाँ उतरती है लेकिन पैसे नहीं देती, और मांगने पर चालान काटने की बात करती है, जहाँ तक जो रसीद दिखाते हैं वो ऐसा होता है कि 500 का रसीद है और 2000 रुपये लेते हैं। ऐसा बात नहीं है, अच्छे अधिकारी लोग भी हैं, पैसे भी दे करके जाते हैं आते हैं, कुछ जो छोटा मोटा कर्मचारी है उस विभाग का वही धांधली करता है, बड़े अधिकारी कोई नहीं करते हैं ऐसा। ये भैया हम लोग भी ऑटो चला रहे हैं, ऐसा कभी हम लोग के साथ नहीं हुआ, बहुत अच्छा व्यवहार भी करते हैं, मगर जो निचले स्तर के हैं वो आपको समझ लीजिए कि बैठेगा भी और पैसा भी लेगा और ज़्यादा बोलने पर मारपीट भी करता है और गाली गलौज भद्दी भद्दी गालियाँ देता है, तो ये सब हम लोग झेल रहे हैं, उस सबके लिए हम लोग तो झेलिए रहे हैं, मगर हम लोग को सुनने वाला कोई नहीं है सर। चालक के बारे में भी कोई कानून निकालिए, उसके परिवार बाल बच्चा के भी बारे में सरकार को सोचना होगा, और नहीं तो एक दिन हम लोग उबिया के चक्का को जाम करेंगे, पूरा बिहार देश सब भैया बंद हो जाएगा, जान जाइए। आपको बताते हैं कि कहीं ना कहीं ऑटो चालकों की जो परेशानियां है वो काफ़ी हद तक बड़ी, आपको एक बात बताते हैं कि ऑटो चालकों का इतना ज़्यादा योगदान होता है कि 90% जो सवारी होते हैं, जो लोग होते हैं, वो आश्रित रहते हैं ऑटो चालकों पर। और आपको बताते हैं पिछले महीनों की बात, तो पहले स्टिकर को लेकर इन पर कार्रवाई की गई थी, जो धूप से बचने के लिए स्टिकर लगाते थे, फिर ओवरलोडिंग को लेकर कार्रवाई की गई कि अब 3 से ज़्यादा लड़के लोग नहीं बिठा सकते हैं, फिर नंबर को लेकर, फिर ऐसे ही तमाम हर रोज़ नए नए नियम निकाले गए थे जिससे परेशान होकर इन्होंने चक्का जाम किया था, हड़ताल किया था, उस पर भी इन पर लाठीचार्ज हुई, कई ऑटो चालक घायल भी हो गए, कई ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में भी भर्ती हुए लेकिन कोई भी उन्हें देखने नहीं गया। अब बात करते हैं कुछ दिन पहले की, तो हिट एंड रन का नया मामला से सामने आया था, उस पर भी खास तौर से नाराजगी ऑटो चालक दिखा रहे हैं, और जो भी कुछ था वो हमने बात की और साफ तौर पर जो भी इन्होंने कहा वो आप विजुअल में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट, बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे 24। मैं नंदन के साथ, धन्यवाद।